इकरा टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा इस वर्ष भी मुस्लिम समाज के बच्चों को सम्मानित किया गया। अक्सर देखा जाता है कि मुस्लिम समाज सभी क्षेत्रों में पीछे ही खड़ा नजर आता है और इसका बहुत बड़ा कारण है मुस्लिम समाज का बहुत ज्यादा शिक्षित ना होना। परंतु समाज के शिक्षित ना हो पाने के कारण आर्थिक समस्या को माना जाता है और समाज खुद भी यह महसूस करता है। ऐसी स्थिति में अंधेरे में मशाल की तरह इकरा टीचर्स एसोसिएशन ने समाज में फैले इस अंधेरे को धीरे धीरे हटाने का बीड़ा उठाया है और एसोसिएशन समाज के वे बच्चे जो आर्थिक समस्या की वजह से स्कूली शिक्षा या उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं उन्हें शिक्षित करने का सफल प्रयास कर रहा है। इकरा टीचर्स एसोसिएशन ने इस वर्ष भी मुस्लिम समाज के होनहार बच्चों का सम्मान किया। यह सम्मान कार्यक्रम सेक्टर 6 जामा मस्जिद के कम्युनिटी हॉल में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया और ठीक इसके बाद 10वीं और 12वीं में 70% से अधिक अंक लाने वाले मेगावी छात्र छात्राओं का भी सम्मान किया गया। हर हाल में समाज के बच्चों को यह बताया गया कि अगर उन्हें शिक्षा ग्रहण करने में आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो वह इकरा टीचर्स एसोसिएशन से संपर्क कर सकते हैं, जहां से उन्हें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए मदद की जाएगी। और यह मदद सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि आने वाले समय में समाज में फैले शिक्षा के अंधियारे को दूर किया जा सके। प्रोग्राम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान पुष्पगुच्छ देकर किया गया। वहीं समिति के सभी सदस्यों ने मिलकर समिति के मुखिया का पुष्पहार से स्वागत किया। यहां समिति के मुखिया ने जहां कार्यक्रम की जानकारी दी तो वहीं एसोसिएशन की अध्यक्षा ने भी एसोसिएशन के सफर की जानकारी दी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार रौनक जमाल सिद्दीकी ने ऐसे कार्यक्रमों से समाज की उन्नति की बातें कही हैं। वहीं होनहार बच्चों ने भी इकरा टीचर्स एसोसिएशन का दिल से शुक्रिया अदा किया है और आगे खुद भी सफल होकर इकरा टीचर्स एसोसिएशन को शिक्षा की दिशा में किए जाने वाले कामों में हाथ बटाने की बातें कही हैं। ये आज जो हम सब जाए बच्चों के जा रहा है ये इनकी पहली सीढ़ी है, इसे आगे और बढ़ना है। ये बच्चों के लिए हौसला अफजाई होने के बाद हम 60-65% पार्क लिया है, एक सर्टिफिकेट में प्राप्त कर लिया है, ये इनाम है। यहाँ से आपकी शुरुआत हो रही है, इस शुरुआत को आगे बढ़ाना है आपको और आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको मेहनत करना है। आज हालात से आप वाकिफ हैं कि हालात किस तरफ किस कैसे चल रही है, इन हालातों से आपको ऊपर आना है। बहरहाल इकरा टीचर्स एसोसिएशन की नींव जिस मकसद से रखी गई थी वह मकसद साकार होता नजर आ रहा है और ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज में फैला हुआ शिक्षा का अंधकार इकरा टीचर्स एसोसिएशन के प्रयासों से खत्म होता नजर आ रहा है। एसीएन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।